नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में छठे चरण में 12 मई को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। अभी तक किसी भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से किशन पाल गुर्जर एक बार फिर से लगातार दूसरी बार प्रत्याशी हो सकते हैं। लोगों का मूड क्या है जानते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में दिन में सैर करने वालों के लिए। हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी के नेता सुखवीर फौजी। फौजी साहब, क्या नाम है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है 12 मई को, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारी बहुमत से आएगी। फरीदाबाद के हमारे प्रत्याशी आदरणीय मेरे बड़े भाई कैबिनेट राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को टिकट मिल रहा है और उन्होंने मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में, फरीदाबाद में एक बहुत अच्छी लहर है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कृष्ण पाल गुर्जर का बहुत विरोध भी हो रहा है जगह जगह। कल राज में से जब पार्टी की मीटिंग ले रहे थे तब भी उनका भारी विरोध हुआ था, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो विरोध करने वाले विपक्ष के लोग हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने दूसरे अपने नेता के लिए भी नारे लगाए थे। उनका ये स्पष्ट आरोप था कि कृष्ण पाल गुर्जर ने काम नहीं किए, विकास कार्य नहीं किए। नहीं, कृष्ण पाल गुर्जर ने बहुत विकास कार्य किए, अच्छा नेता है। ये तो उनके खिलाफ लोगों को भड़का के एक षड्यंत्र के तहत नारेबाजी लगवाई थी। बाकी कृष्ण पाल गुर्जर पढ़े लिखे इंसान है, ईमानदार है, अच्छे हैं, उन्होंने विकास किया है और हम उनके गवाह हैं। हमारे बीच में श्री प्रकाश शास्त्री जी हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। 12 मई को मतदान है, आप मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, 100% करेंगे। इस बार आपकी कौन सा पसंदीदा आपका उम्मीदवार होगा, कौन सी पार्टी? बीजेपी नरेंद्र मोदी। अच्छा, लगता है यहाँ पर बीजेपी का ज्यादा गढ़ है। हमारे बीच में श्री वैश्य अग्रवाल सभा के अध्यक्ष रहे अनिल गुप्ता, जो कि एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे पूछते हैं उनकी राय। अनिल गुप्ता जी, चुनाव है 12 मई को, जाहिर है आप मतदान करेंगे, किस पार्टी को आप वोट देंगे? मतदान हम वाकई करेंगे जी, 100% करेंगे। जितने भी अपने समर्थक हैं उनको सबको लेके जाएंगे और कृष्ण पाल गुर्जर को बिल्कुल नहीं देंगे वोट। अच्छा। क्योंकि कृष्ण पाल जी एक बार आके रह गए, उसके बाद उन्होंने नाम नहीं लिया। हम कभी मिलने गए तो उन्होंने टाइम तक नहीं दिया। क्यों भाई, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, हम पब्लिक हैं, जनता है तुम्हारी, क्यों नहीं मिलते हो तुम? भाव जी एक बार भी अगले ने नाम नहीं लिया। उसका लड़का भी आया था पहले, कई बार हमने उसको पूरी सपोर्ट किया था। अरे इस तरह थोड़ी होता है कि भाई तुम नाम ही मतलब बनने के बाद पब्लिक ने क्या गुनाह कर दिया तुम्हें वोट देके? तो पिछली बार आपने वोट दिया था उनको? बिल्कुल दिया था, अपने समर्थकों समेत दिया था, लेकिन आपका नहीं देंगे, एक बार भी नहीं आए वो, है ना? उन्होंने कोई काम किया, अगले ने मिलने तक का टाइम ना दिया। हम दो तीन बार हम गए थे, कई पत्रकार भाई गए, अगले ने किसी को भी टाइम ना दिया। यार बनाया तो हम नहीं है, हम पब्लिक है, हमारी सारी ताकत तो पब्लिक के हाथ में ही है। अगर पब्लिक के हाथ में, तुम तो पूछो ना किसी को। अगर कृष्ण पाल गुर्जर नहीं तो कौन प्रत्याशी होना चाहिए उन पार्टी बीजेपी की तरफ से, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं? देखो, प्रत्याशी ऐसे आदमी को बना जाए जो बनने के बाद भी पब्लिक का ध्यान रखे। ये ना है कि बनने के बाद तुम पब्लिक को भूल जाओ। ऐसा प्रत्याशी, ये तो अपनी पार्टी चुनती है, जो भी चुनती है, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो पब्लिक का पूरा ध्यान रखे, बाद में भी मिलना जुलना रहे, आदर सम्मान दे सबको। ये क्या तरीका है, बनने के बाद मिलो ही ना किसी से, मिलने का टाइम मत दो किसी को। अरे पता करो कैसी समस्या लेके आया, तो उसकी समस्या का समाधान हमारे नेता ही करेंगे, नहीं करेंगे? चलिए, जरूरी नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का प्रत्याशी अगर हो तो कौन सा हो प्रत्याशी हो? तो हम तो सबके लिए ही एक ही बात कहते हैं कि यार बनने के बाद पब्लिक को पूरा मान सम्मान दिया जाए और उनकी समस्या को सुना जाए। अच्छा, यानी कि इस समय अभी तक आपके मन में किसी पार्टी के प्रति वोट देने का इरादा नहीं है, आप अवसर देख कर वोट देंगे, आपका ये सोच है? बिल्कुल, हम तो नेता देख के देंगे जो पब्लिक को पूरा मान सम्मान दे और पब्लिक के उनके महत्वाकांक्षाओं का भी ध्यान दे, उनकी समस्याओं का ध्यान दे, सुने उनको, उनको टाइम दे। ये तरीका थोड़ी है कि भाई तुम पूछो ही मत किसी को। पलवल विधानसभा क्षेत्र जो है और उसके साथ के दो विधानसभा क्षेत्र है होडल और हथीन, तीनों विधानसभा क्षेत्र के मिलाकर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोकसभा के जरिए पूरे होने चाहिए? पलवल जिले के कौन कौन से मुद्दे हैं जो पूरे होने चाहिए? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि विकास तो खूब हुआ है,
है ना, सड़कों का विकास हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, नालियां खूब बनी है, रोशनी की पूरी व्यवस्था है ना जी, यही मुद्दे होते हैं मेन पब्लिक के तो है ना जी, इन्हीं को आगे विकास जो अपना दरिया जैसा चल रहा है वो बेहतर है, और पब्लिक को जो है ना थोड़ा सा पब्लिक की समस्याओं का भी ध्यान है। हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट हरिदन दवास जी आ चुके हैं, दवास साहब से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। दवास साहब, लोकसभा के चुनाव 12 मई को होने हैं, आप किस पार्टी को वोट करेंगे और किस पार्टी को वोट देना चाहिए? भाई देश के हक में तो जो है ना मोदी को वोट देना चाहिए, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। आपका सवाल का जवाब दे दिया, छोटा सा ही था। बिल्कुल बिल्कुल, हरिरतन दवास बहुत जाने माने एडवोकेट हैं, अब सीनियर नेता भी हैं, इनेलो से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के साथ उन्होंने अपनी राजनीति का कैरियर शुरू किया था। दवा साहब, आप इनेलो से जुड़े रहे हैं और आपने मोदी का आज भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आज भी इनेलो से जुड़े हुए हैं। तो इनेलो का कैंडिडेट अगर होगा तो क्या आप उनके लिए वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ना मोदी का कहा है? हाँ, मैंने जनता के लिए कहा, बच्चों से भी लोग, हम तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जी का जो कैंडिडेट होगा अपनी मैं पर्सनल वोट उसी को दूंगा। इनेलो में जो फूट हुई है, दो धड़े बन गए हैं, जजपा और इनेलो, आप पुराने कार्यकर्ता हैं इनेलो के, क्या आपको दुख हुआ इस बात का? बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे नहीं, रहने की सारी जनता को दुख हुआ, सबको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा। आज ये माहौल था कि सरकार बनेगी, जो 15-16 साल से विपक्ष का रोल निभाया है उसमें शायद कोई परिवर्तन हो, मगर ये किसी भी षड्यंत्र के तहत हुआ हो या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के तहत हुआ हो, मगर जो भी हुआ है ये हरियाणा प्रदेश के जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में करण सिंह दलाल का नाम बहुत तेजी से उछल रहा है, और करण सिंह दलाल पलवल विधानसभा क्षेत्र से हैं। दवा साहब, आप भी पलवल विधानसभा क्षेत्र से हैं, क्या आप चाहेंगे कि दलाल राजनीति में उतरे लोकसभा चुनाव में? वो उसका अपना वो है, मेरे चाहने और ना चाहने से क्या होता। कल तो अखबारों में नई सुर्खियां हुड्डा साहब की भी आ रही हैं कि हुड्डा साहब भी हमसे प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं फरीदाबाद लोकसभा से। आपने मोदी का नाम लिया, मोदी राष्ट्रीय हित में मोदी को वोट देना चाहिए, मोदी की किन नीतियों ने आपको प्रभावित किया है? सबसे बड़ी बात तो मोदी जी का है राष्ट्रीय हित का, जो उन्होंने अपने सिस्टम में राष्ट्रीयता को सबसे आगे लिया है जात पात को छोड़कर। दूसरा, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है वो। तीसरा, जो हमारे देश के अंदर विदेशियों की घुसपैठ है, जैसे कि रोहिंग्यास हैं और दूसरे हैं जो इलीगल घुसपैठी हैं, उन्होंने हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था को खराब करने का कार्य किया हुआ है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं विदेशों में जो हमारे देश का सम्मान बढ़ा है वो मोदी जी की ही विदेशी नीतियों की कारण बढ़ा है, और बहुत सी कितनी गिनाऊं। विकास का कार्य देखिए, आज टाइम लिमिट करके सड़कें बन रही हैं देश के अंदर, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। मानता हूँ थोड़ी बहुत कमियाँ रहती हैं उनमें, मगर वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। हमारे बीच में राजेश मंगला है, आर्य समाज नेता हैं। मंगला जी, जो 12 मई का चुनाव होना है उसमें आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को किस वजह से? मोदी ने हमारी भावना है, मोदी सही काम कर रहा है देश के लिए, मोदी बढ़िया नेता है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से उनकी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर एक बार फिर से हो सकते हैं, कैसे उम्मीदवार लगते हैं आपको? मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, मेरे लिंक में वो नहीं है। बाकी उम्मीदवार की जगह मैं मोदी के लिए समर्थन। हमारे बीच में इनेलो के नेता रहे शैलेंद्र सिंगला, जो अब बीजेपी में है। सिंगला जी नमस्कार। नमस्कार। किस पार्टी को आप वोट करेंगे? बीजेपी को भी।
क्योंकि मैंने कहा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी को ही करेंगे। किशन पाल गुर्जर कैंडिडेट हो सकते हैं? देखो जी, हमारा तो मत पार्टी के लिए है, कैंडिडेट तो कोई भी आ जाए, हमें तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। किशन पाल आ जाए, विपुल गोयल जी आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, हमें तो वोट बीजेपी को देना, मोदी जी को देना। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक हम 20 लाख नौकरियां देंगे, और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है न्यूनतम आय योजना के तहत 6000 रुपये प्रति महीने यानी कि 72000 रुपये साल, और 5 साल में 360000 रुपये। इन के बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 65 साल से 60 साल से कांग्रेस गरीबी खत्म करती आ रही है, हमने तो आज तक गरीबी खत्म होती देखी नहीं। मुझे तो लगता नहीं ये 72 पैसे भी दे पाएंगे, 72000 तो क्या दे। हमारे बीच में है जुवेंद्र गर्ग, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? ये हमारा मत और पूरे परिवार का मत बीजेपी को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। जो देश का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, प्रभावित हैं, और हम चाहेंगे कि मोदी जी आने वाले 5 साल और देश की बागडोर संभालें। तो ये थे हमारे बीच में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग, जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, किसी ने बीजेपी को पसंद किया तो किसी ने कांग्रेस को, तो अधिकांश लोगों ने बीजेपी को पसंद किया। कहीं ना कहीं किशन पाल गुर्जर के प्रति भी कुछ वर्करों में नाराजगी रही, कुछ लोगों में नाराजगी रही, लेकिन कईयों ने यह कहा कि अगर कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे किशन पाल गुर्जर हो, विपुल गोयल हो या कोई और हो, हमने मोदी को वोट देना है। मैं सतीश बिटानी आपको वापस ले चलता हूँ। नमस्कार।